नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशु गुप्ता। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले क्रिस डालते आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय पीबीवाई आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, एक चारी में आवासीय जमीन 1,00,000 रुपए प्रति कट्ठा। भागलपुर में महज एक कट्ठा जमीन के लिए मामा ने भांजी का अपहरण कर बेरहमी से की हत्या। घटना को लेकर स्थानीय लोगों का फूटा आक्रोश, पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप। दीपक हत्याकांड मामले का एसएसपी ने किया खुलासा, अवैध संबंध को लेकर हुई थी हत्या, चार आरोपी गिरफ्तार। राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने प्रेस क्लब का किया उद्घाटन, मीडिया कर्मियों को किया सुपुर्द। शहर में लगे कूड़े कचरे के अंबार को लेकर नगर विधायक ने दिया धरना, निगम प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप। और 3 दिवसीय वाशिकॉन वर्कशॉप के दूसरे दिन साइंटिफिक सेमिनार का हुआ आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। भागलपुर में जमीन विवाद को लेकर 10 वर्षीय मासूम बच्ची का अपहरण के बाद हत्या कर शव को बगीचे में फेंक दिया। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई। वहीं लोगों की भीड़ मृतका के शव को देखने के लिए मौके पर जुट गई। सभी ग्रामीण इस हृदय विदारक घटना से काफी सहमे हुए हैं। बच्ची का अपहरण कर हत्या का आरोप सगे मामा और ननिहाल वालों पर लगा है। दरअसल शनिवार की सुबह मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के निष्पअम्बे पंचायत के छोटी वादरपुर गाँव स्थित चनकू बगीचा में एक मासूम बच्ची का शव मिला। लड़की की पहचान अखिलेश यादव की पुत्री 10 वर्षीय शिवानी कुमारी के रूप में हुई है। मृतक लड़की की मां शर्मिला देवी और पिता अखिलेश यादव ने बताया कि एक कट्ठा जमीन को लेकर ससुराल वालों के साथ विवाद चल रहा था। बीते 11 नवंबर की रात 8 बजे जब बेटी पड़ोस के ही दुकान में चीनी लाने गई थी, उसी दौरान वह लापता हो गई। काफी खोजबीन करने के बाद भी बेटी का कोई पता नहीं चला। शनिवार की सुबह ग्रामीणों ने बगीचे में शव होने की सूचना दी, जिसके बाद घटनास्थल पर पहुंचकर जब शव को देखा तो वह शिवानी ही थी। उन्होंने कहा कि ससुराल वालों के द्वारा जमीन खाली करने का दबाव बनाया जा रहा था, लेकिन सगे मामा और ससुर ने मिलकर बेटी का अपहरण कर हत्या कर दिया। पूरा मामला कौन दिन पूर्णिमा जिले सोमवार का 6 बजे में आई घर काम करी का ओकरा भेजलिए दुकान चीनी लाबे ला। चीनी लाबी के देलकै, फेर माँ ननोर चप्पल लेकर गेलै, माँ मौसीर घरों पर माँ छोड़ी देलकै हमरा, फेर यहाँ सरियाती के लेके गेलै, माँ गोर हाथ रंगा देलकै। 7:30 बजे वहाँ से क्रॉस कर लकै, 7:30 बजे क्रॉस करी मैं आभिर लल हुन्नस अलै, हुन्नस अलै फिर हिन्ना से सुतल जे गेलै, ओकरा बस मुँह दाबी के उठा लेलकै। के उठा लेलकै? वही सब ना, मुकेश मंटू छै, मुकेश छै। हाँ, नाम बोलो, नाम बोलो, नाम बता देली। मुकेश यादव, मंटू यादव, रामजी। घर सजंगी लपक लिया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही सिटी एसपी सुशांत कुमार सरोज काफी संख्या में पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। सिटी एसपी ने घटना को अप्रिय बताते हुए कहा कि घटना में शामिल सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस दौरान एफएसएल की टीम ने मौके से कई साक्ष्य को एकत्रित किया। वहीं सिटी एसपी के नेतृत्व में पुलिस जवानों ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई जगहों पर एक साथ छापेमारी की। इस दौरान सभी आरोपी घर छोड़कर फरार हो गया। देखिए, एक छोटी बच्ची 10 साल की है, इसके मिसिंग की जानकारी हालांकि थाना बता रहे थाना पहाड़े की 14 तारीख को आया था, हालांकि मिसिंग लड़की 11 तारीख से ही है और डेड बॉडी आज मिला है और डिकम्पोज अवस्था मिला है। उन्होंने कुछ नेमिंग किया है, कुछ पे नाम किया है, शंका जाहिर किया कि मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, उन्होंने घटना कारित किया है और घटना ये FIR हुआ है 14th को हुआ है, तब से FIR ये छापामारी लगातार जारी है, गिरफ्तार अभी नहीं कर पाया। अभी FSL की टीम आई है ताकि घटनास्थल पे जो भी नमूना है उसको हम लोग बेगन तरीके से लिफ्ट कर सकें। और इतना मैं कह रहा हूँ कि इसमें शामिल जो भी है बहुत जल्द कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएंगे। वहीं पंचायत की सरपंच कुसमी देवी ने कहा कि जमीन विवाद को लेकर उसने दोनों पक्षों के बीच पंचायती कर सुलह कराया था, लेकिन इस तरह की घटना काफी निंदनीय है। इसको जो शादी किया था सर, तो उसी समय बाप ने कबूला था कि हम 2 कट्ठा जमीन देंगे, तो 2 कट्ठा से फिर उसका घर द्वार नहीं रहा तो यहाँ आया ना, तो हम फसला उसला करके सबसे पूछ करके 1 कट्ठा जमीन हम दिलाए थे, दिला करके ऊपरी झोपड़ी खोपड़ी सब बनवा दिए हम कि रहो तुम लोग। अब बीच में क्या हुआ सर, ये पता नहीं है। आज हत्या में क्या लगता है? हत्या उसी के चलते हुआ ना, हत्या तो उसी के चलते हुआ, कब्र आग भी लगा दिया है,
किसने किया? वो उससे पूछा जाए कि आग कौन लगाया था, हमारा घर तो दूरी पड़ता सर, वही ना बताएगा। मई मृतका के शिक्षक जितेंद्र कुमार जीतू ने बताया कि घटना की रात उन्होंने शिवानी की चीख पुकार सुनी थी, जिसके बाद उसके पिता को थाने जाकर आवेदन देने की बात कही, लेकिन जब मृतका के पिता आवेदन लेकर थाने पहुंचे तब भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस समय पर कार्रवाई करती तो आज इस तरह की घटना नहीं होती। लेकिन उस बच्ची को मैं पढ़ाता था और उस दिन जिस दिन उस बच्ची का अपहरण हुआ उस दिन भी बच्ची को 5:30 से 6:45 बजे तक मैं पढ़ा के घर वापस आया। उसके बाद हमको रात में सूचना मिली कि उस बच्ची को 8 बजे रात्रि में उसके पिताजी ने चीनी लाने दुकान भेजा, क्योंकि रास्ते के उस पार एक अंधेरा बगीचा पड़ता है, वहीं से बच्ची के चिचियाने का आवाज़ सुना। उसके पिता ने कहा कि हमको डर था कि कहीं हमको नहीं मार दे जमीन विवाद के चक्कर में, इसीलिए सर हम लोग बाहर नहीं निकले। बच्ची का अपहरण उसी समय हुआ। उसके बाद मैंने थाना जाने के लिए उनको कहा, वो बेचारे थाने के लिए परेशान रहे, लेकिन थाने में कोई सुनवाई आवेदन नहीं लिया गया। मैंने आवेदन फिर लिख के दिया, उस आवेदन को भी स्वीकार नहीं किया गया, बोला नहीं ये बढ़िया ढंग से नहीं है। फिर किसी वकील से आवेदन लेकर गया लिया गया लेकिन वो रख दिया गया। मैंने जिला परिषद आलोक जी से बात किया, आलोक जी ने फोन किया थाना इंचार्ज से, फिर मैं अपने से उनके पिता को लेकर थाने पर गया, आवेदन को रख लिया गया। लेकिन मीडिया वाले भी थाना पर पहुंचे थे उसी चीज़ का रिपोर्ट लेने, मीडिया वाले का पेपर में ना आ जाए खबर, इस ये जब उसके माथे में बैठा तब उसने फिर FIR को दर्ज करने की बात कही। लेकिन उसके बावजूद भी लगातार वहाँ से फ़ोन आते रहा, आप उसका नाम बताइए, उसके परिवार का नाम बताइए, उसके दादी का तो उसके नाना का, यानी तरह तरह से ही लोगों को ये करते रहा। भागलपुर पुलिस ने मायागंज निवासी दीपक यादव हत्याकांड मामले का खुलासा कर दिया है। दीपक की हत्या अवैध संबंध को लेकर की गई थी। SSP आशीष भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि दीपक यादव हत्याकांड में 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, साथ ही आरोपियों के पास से घटना में इस्तेमाल किए गए सिम कार्ड और एक मोटरसाइकिल को बरामद किया गया है। SSP ने कहा कि रमन यादव की चाची के साथ मृतक का अवैध संबंध था, जिसको लेकर रिश्तेदारों ने अपने सहयोगियों की मदद से दीपक की हत्या कर शव को सबौर थाना क्षेत्र के ललमटिया बहियार में फेंक दिया था। SSP ने कहा कि गिरफ्तार प्रकाश यादव, छोटू यादव, श्रवण यादव और राजकुमार यादव ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। और थाना क्षेत्र के ललमटिया बहियार में दीपक यादव जो कि बरारी थाना क्षेत्र का रहने वाला था, उसकी हत्या करके वहाँ पे उसका शब मिला था और इस संबंध में सबौर थाना कांड संख्या 327/19 दर्ज किया गया था। इस मामले में कुछ नामजद अभियुक्तों को केवल प्राथमिकी दर्ज की गई थी और इस पूरे मामले में जांच जो अपराधी हैं उन संलिप्त अपराधी उनकी गिरफ्तारी के लिए सिटी SP के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसके द्वारा कल 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिनका नाम है प्रकाश यादव, छोटू यादव, राजकुमार यादव और श्रवण कुमार। इस मामले में इन लोगों के द्वारा अब इस मामले में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया गया है और साथ में से इस घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन और एक मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। वहीं तिलका मांझी थाना क्षेत्र से मुंगेर जिला का कुख्यात नक्सली रंजीत बिंद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। SSP ने कहा कि पकड़े गए नक्सली के पास से एक पिस्टल और गोली बरामद किया गया है। उन्होंने कहा कि नक्सली रंजीत बिंद पर रंगदारी और नक्सली घटना से जुड़े 20 मामले थाने में दर्ज है और वह पहचान छुपाकर भागलपुर में रह रहा था। मुंगेर जिला का एक कुख्यात नक्सली जिसका नाम रंजन बिंद है, वो भागलपुर में तिलका मांझी थाना क्षेत्र में शीतला स्थान के पास एक मकान में रह रहा है और इस सूचना के सत्यापन तथा कार्रवाई के लिए SHO तिलका मांझी, SHO जोगसर एवं अन्य जो टीम है उसको निर्देशित किया गया था। इसके द्वारा वहां पे जब छापेमारी की गई तो जो नक्सली है उसको गिरफ्तार किया गया है, साथ में उसके पास से एक हथियार, एक लोडेड देसी पिस्टल और गोली बरामद किया गया है। यह करीब जो रंगदारी और नक्सली मामलों में करीब 15-20 मामले इस पर मुंगेर जिला में दर्ज हैं। अभी हाल फिलहाल में भी पेटिया बम्बर थाना क्षेत्र में रंगदारी का मामला पिछले एक सप्ताह पहले दर्ज किया गया था। वहीं जबारीपुर स्थित मकान में हुए चोरी मामले को लेकर SSP ने कहा कि चोरी की घटना को अंजाम देने वाले मोहम्मद गुलाम को गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से चोरी के रुपए और गहने को बरामद किया गया है। पकड़े गए सभी आरोपियों को पुलिस ने जेल भेज दिया। नारस प्रसाद जी हैं जो कि नालंदा जिला के रहने वाले हैं और सिंचाई प्रमंडल भागलपुर में कार्यालय परिचारी के पद पर कार्यरत हैं और वो सिंचाई निरीक्षण भवन जवारीपुर के आउट हाउस में रहते हैं। उनके यहाँ से अज्ञात चोरों के द्वारा 25,000 रुपया नगद, जेवरात इत्यादि चोरी कर लिया गया था। इस मामले में तिलका मांझी थाना के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए जो अपराधी
है, इसमें शामिल मोहम्मद गुलाम उर्फ बबुआ को गिरफ्तार किया गया है और इसके द्वारा अपनी संलिप्तता इसमें स्वीकार की गई है। और इस मामले में जो चोरी किया गया पैसा है उसमें से 18,000 रुपये जेवरात और चोरी का अन्य प्रयुक्त औजार को बरामद कर लिया गया है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस को लेकर शनिवार को DRDA सभागार में जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने सभी पत्रकारों के साथ बैठक की। DM ने कहा कि पत्रकार ही वह कड़ी है जो जनता और अधिकारी को एक दूसरे से जोड़ती है, जिससे जनता की समस्या अधिकारी के समक्ष आता है और उसका निवारण होता है। इस दौरान कई पत्रकारों ने भी राष्ट्रीय प्रेस दिवस के मौके पर अपनी बात रखी। कार्यक्रम का संचालन जिला जनसंपर्क पदाधिकारी बिंदुसार मंडल ने किया। वहीं जनसंपर्क कार्यालय के समीप नए प्रेस क्लब भवन का DM ने उद्घाटन किया और पत्रकारों को पूर्ण कर दिया। DM ने कहा कि जल्द ही कमेटी का गठन कर लिया जाएगा। इस मौके पर राजीव सिद्धार्थ, अनुज कुमार शिवलोचन सहित प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मौजूद थे। इसको आज बहुत ही सुखद संयोग है कि प्रेस दिवस के अवसर पर हम लोगों ने इसको ओपन किया है और आप तमाम लोगों के बीच आज से यह कार्यरत है और जो भी इसमें छोटी मोटी जो भी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होगी उसको हम लोग पूरा कराएंगे और इसको बिल्कुल सफल संचालन के लिए सुयोग्य बनाएंगे। वहीं बांका में भी राष्ट्रीय प्रेस दिवस को लेकर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिलाधिकारी कुंदन कुमार, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी योगेंद्र लाल, DDC रवि प्रकाश एवं SDO मनोज चौधरी ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया। इस दौरान DM ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि मीडिया के कारण ही देश में भ्रष्टाचार में कमी आई है। DM ने कहा कि आज अगर बांका को उन्नयन बांका के नाम से देश और विदेश में जाना जाता है तो इसके पीछे मीडिया का अहम योगदान है। इस अवसर पर जिले के प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मौजूद थे। स्मार्ट सिटी भागलपुर के सड़कों पर फैले कचरे का ढेर और जानलेवा डेंगू के डंग से शहर की जनता काफी परेशान है। गंदगी के कारण शहर के गली मोहल्लों में फैल रही बीमारियों से लोग काफी त्रस्त हो चुके हैं, लेकिन नगर निगम प्रशासन लापरवाह बना हुआ है। जनहित के मुद्दे को लेकर शनिवार को भागलपुर समाहरणालय के समीप जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। धरना का नेतृत्व नगर विधायक अजित शर्मा ने किया। इस दौरान विधायक ने नगर आयुक्त, मेयर और डिप्टी मेयर पर जमकर भड़ास निकाली। विधायक ने कहा कि जिसको शहर को रखने की जवाबदेही सौंपी गई है वह खुद लापरवाह बना हुआ है, जिसका खामियाजा शहर की जनता को भुगतना पड़ रहा है। विधायक ने शहर में नियमित सफाई व्यवस्था, नाली उड़ाई, पार्किंग, जल जमाव रोकने एवं कीटनाशक का प्रयोग करने, अधिकारियों की जवाबदेही तय करने, डेंगू बीमारी के लिए शहर के सभी वार्डों में नियमित फॉगिंग कराने, डंपिंग ग्राउंड की समुचित व्यवस्था करने सहित 11 सूत्रीय मांगों को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। विधायक ने कहा कि अगर नगर निगम प्रशासन अपनी कार्यशैली में सुधार नहीं करता है तो आगे जोरदार आंदोलन किया जाएगा। धरना में उपाध्यक्ष डॉक्टर अभय आनंद, कोमल सृष्टि, पूजा शाह, सोइन अंसारी, अभिषेक चौबे, संजय सिन्हा सहित दर्जनों कांग्रेसी नेता मौजूद थे। काफी बार पत्र लिखने के बाद भी ये कूड़ा का ढेर जो अंबार पड़ा है पूरे शहर में, उसके खिलाफ धरना था। उसी का धरना के कार्यक्रम के बाद हम ज्ञापन देने DM को आए थे, राज्यपाल महोदय को देना है और DM से भी, जिलाधिकारी से भी आग्रह किया है कि जब तक आप और हमारी जवाबदेही बनती है इस कूड़ा करकट के ढेर से उसको हटाना, और जब तक ये नहीं हटेगा बीमारी पर रोक नहीं हो सकता। जब तक कूड़ा करकट नहीं हटेगा सही समय पर तो ये पॉल्यूशन में कंट्रोल नहीं हो पाएगा। इन्होंने कहा है कि नगर आयुक्त आती है, मैं इस पर रिव्यू करके इस पर कार्रवाई करूँगी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए सिल्क TV। हर साल की तरह इस साल भी सर्दियों के आते ही तिवतन पोटाला मार्केट भागलपुर के तिलका मांझी कठलबाड़ी नियर आदित्य विजन भागलपुर में खुल चुका है। यहाँ हर तरह के गर्म कपड़े, जैकेट, स्वेटर, साल, कंबल, टोपी, मफलर उचित कीमत पर उपलब्ध है। महिला, पुरुष एवं बच्चे के लिए बेहतरीन क्वालिटी एवं एक से एक डिजाइन में गर्म कपड़ों की रेंज उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आज ही चले आइए तिवतन पोटाला मार्केट तिलका मांझी कठलबाड़ी नियर आदित्य विजन भागलपुर। अगर शहरों में रहने की तमन्ना हो तो क्यों ना एक घर अपना हो। अगर PVY आस्था ड्रिंक्स आपका अपना हो तो क्यों बाजारे महफिल में भटकना हो। PVY आस्था ड्रिंक्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड लेकर आया है 1,00,000 रुपये प्रति कट्ठा में आकर्षक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस प्रोजेक्ट में पहले पोजिशन पाए फिर रजिस्ट्री कराए। 30 फीट चौड़ी सड़क, नाली, 24 घंटे बिजली, पार्किंग, जिम, हॉस्पिटल एवं अन्य कई सुविधाओं के साथ वास्तु को ध्यान में रखकर बनाया गया मंदिर और चिल्ड्रन पार्क भी।
पीवीवाई आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड मासिक किस्त मात्र 10,000 पर उपलब्ध, तो अभी बुकिंग कराएं मात्र 51,000 रुपये में। आवासीय जमीन मात्र 1,00,000 रुपये प्रति कट्ठा, तो जल्दी फोन उठाएं और संपर्क करें 7707090989482109757637 7542931524 6200102297 बलुआ टोला करेला नाथनगर भागलपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। आई बढ़ते अगली खबर की ओर। एसोसिएशन ऑफ सर्जन ऑफ इंडिया के बिहार ब्रांच की ओर से चल रहे 3 दिवसीय वाशिकॉन वर्कशॉप के दूसरे दिन जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय भागलपुर में सेमिनार आयोजित हुआ। वाशिकॉन वर्कशॉप के पहले दिन शुक्रवार को 22 मरीजों की निःशुल्क सर्जरी की गई थी। शनिवार को वर्कशॉप के दूसरे दिन जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय में साइंटिफिक सेशन के सेमिनार का शुभारंभ किया गया। भागलपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के HOD डॉक्टर मृत्युंजय ने बताया कि सेशन के मुख्य 3 ऑडिशन थे, जिसका संचालन डॉक्टर नवाब साहब, डॉक्टर डीपी सिंह कर रहे थे। साइंटिफिक सेशन के दौरान 3 ऑडिटर भी हिस्सा ले रहे थे। इनमें डॉक्टर सुभाष खन्ना, डॉक्टर राजेश खुल्लर और डॉक्टर ज्योत्सना शामिल थी। डॉक्टर मृत्युंजय ने बताया कि वर्कशॉप के दूसरे दिन फ्री पेपर्स चलेंगे, साथ ही शाम में इनॉग्रल फंक्शन होगा, जिसमें पुराने प्रेसिडेंट नए प्रेसिडेंट को चार्ज देंगे। इस दौरान जवाहरलाल नेहरू मेडिकल अस्पताल को फूलों एवं गुलदस्तों से सजाया गया था। बता दें कि 3 दिवसीय वर्कशॉप सर्जरी की तकनीक शहर के डॉक्टरों में विकास के लिए अत्यंत मददगार साबित होगा। बच्चों में बढ़ रहे पश्चिमी देशों के भोज्य पदार्थ के चलन को रोकने एवं भारतीय भोज्य पदार्थ को बढ़ावा देने एवं इसके महत्व को बताने के लिए शनिवार को आनंदराम ढंडनिया सरस्वती विद्या मंदिर में शिशु वाटिका स्तर पर खाद्य प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नर्सरी से प्रथम वर्ग के भैया बहनों ने भाग लिया। बच्चों के द्वारा घरों से लाए गए भोज्य पदार्थ को लेकर प्रदर्शनी लगाई गई थी। इस दौरान बच्चों ने गीत संगीत की धुन पर जमकर मस्ती की और लजीज व्यंजन का लुत्फ उठाया। साथ ही बच्चों के बीच कविता एवं कहानी की प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रधानाचार्य अनंत कुमार सिन्हा ने बताया कि एक साथ बैठकर भोजन करने से बच्चों में समरसता, सामाजिकता के साथ साथ भारतीय संस्कृति को बल मिलता है, साथ ही बच्चों में परिवार भाव भी जगता है। इस अवसर पर उप प्रधानाचार्य रविशंकर पांडे, विश्व मोहन झा, अनीता सिन्हा, अमरेंद्र नारायण चौधरी, ममता झा एवं मीडिया प्रभारी पंकज उपाध्याय मौजूद थे। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के सांस्कृतिक परिषद के तत्वाधान में शनिवार को सुंदरवती महिला कॉलेज में सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में SM कॉलेज, TNB कॉलेज, BN कॉलेज और मारवाड़ी कॉलेज की छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान छात्राओं के द्वारा नृत्य और संगीत की एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी गई, जिसका मौजूद अतिथियों ने जमकर आनंद उठाया। कॉलेज की प्राचार्या डॉक्टर अर्चना ठाकुर ने कहा कि विभिन्न कॉलेज के 200 छात्राओं ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है, जिसमें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्राओं का चयन राज्य स्तर पर होने वाली तरंग प्रतियोगिता के लिए किया जाएगा। ये हर साल तरंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है बिहार के सारे यूनिवर्सिटी में। अलग अलग समय में अलग अलग यूनिवर्सिटी होस्ट होते हैं, जिस पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी होस्ट है। तो ये प्रोग्राम करता 3 दिनों का होता है, इसमें जितने भी कॉलेजेस हैं उन सब में पार्टिसिपेंट्स होते हैं। कल था क्वीज वगैरह, वो मारवाड़ी कॉलेज होस्ट था। आज है गायन और वादन, जो SM कॉलेज। भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र स्थित तगेपुर गांव में ग्रामीणों द्वारा बिजली पोल गाड़ने के दौरान पोल गिरने से एक मासूम की मौत हो गई। मृतक बच्ची की पहचान डीही दासपुर निवासी संजय पंडित की 6 वर्षीय पुत्री रूबी कुमारी के रूप में हुई है। मृतक बच्ची कुछ दिन पूर्व भी अपने नाना शंकर पंडित के घर आई थी। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि शनिवार को ग्रामीण बिजली का खंभा गाड़ रहा था, इसी दौरान खंभा बच्ची के सिर पर गिर गया। घटना में बच्ची की मौत मौके पर ही हो गई। वहीं परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची जगदीशपुर पुलिस ने सबको जब्त कर छानबीन में जुट गई है। बांका के अमरपुर थाना क्षेत्र स्थित कटोरिया गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। मारपीट की घटना में एक महिला समेत 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिसे इलाज के लिए रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना को लेकर मोहम्मद नसीम ने बताया कि वह अपने पुश्तैनी जमीन पर मकान बना रहा था, इसी दौरान गांव के ही मोहम्मद इस्लाम, मोहम्मद सद्दाम सहित दर्जनों की संख्या में लाठी डंडे से लैस लोगों ने अपनी जमीन बताते हुए पिटाई शुरू कर दी। वहीं घायलों ने अमरपुर थाना में आवेदन देकर आरोपियों पर कार्रवाई करने की मांग थानाध्यक्ष से की है। चलते चलते फिर से एक नजर डालते आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय PVY आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, एक चारी में आवासीय जमीन 1,00,000 रुपए प्रति कट्ठा।
भागलपुर में महज एक कट्ठा जमीन के लिए मामा ने भांजी का अपहरण कर बेरहमी से की हत्या। घटना को लेकर स्थानीय लोगों का फूटा आक्रोश, पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप। दीपक हत्याकांड मामले का एसएसपी ने किया खुलासा, अवैध संबंध को लेकर हुई थी हत्या, चार आरोपी गिरफ्तार। राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने प्रेस क्लब का किया उद्घाटन, मीडिया कर्मियों को किया सुपुर्द। शहर में लगे कूड़े कचरे के अंबार को लेकर नगर विधायक ने दिया धरना, निगम प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप। और 3 दिवसीय वाशिकॉन वर्कशॉप के दूसरे दिन साइंटिफिक सेमिनार का हुआ आयोजन। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।